जी 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 दो मिलियन तीन मिलियन चार मिलियन दस मिलियन बीस मिलियन लेकिन बहुत सारी जनता है जो शो देखती है और उन सबके वोट काउंट होते हैं दूसरी बात यह है कि आ, मैं बहुत ज्यादा बेटर कर रहा था बाकी कंपेरेटिवली और लोगों के मुकाबले और मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं घर से एविक्ट हो जाऊंगा लेकिन जब हुआ तो चीजों को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना तो अभी एक्सेप्ट है पर जब हमने हेमा से बात किया नायरा से बात की तो एक चीज ये नजर आई कि उन्होंने घर में काफी कुछ किया था बट वो दिखाई नहीं दिया बाहर जैसे कि फर्स्ट वीक में हमने आपको देखा देन सेकंड वीक में थोड़ा सा गायब हो गए फिर रजत के साथ आपका जो झगड़ा हुआ देन वो एक फोन वाली बात तब थोड़े से दिखाई दिए तो आपको भी ऐसे लगता है कि क्या आपको फीडबैक मिला है कि आपके साथ भी इस तरह से मुझे बहुत सारी बातें जो अगर लोग मुझे कहते दिखा नहीं हो मैं देखा हूँ और मुझे भी बोला गया कि लाइव में दिखे हो लाइव और लाइव में दिखे हो लेकिन वो वो एपिसोड एपिसोड में एपिसोड़ नहीं। में नहीं, नहीं डाला चीज तो उसमें मेरे हाथ में नहीं है ना मैं तो जो चीज जेन्युइन कर सकता हूँ रियलिटी क्या है रियलिटी रियलिटी शो है जो मैं रियल हूँ अब मैं रियल दिखा रहा हूँ आप उसको नहीं लगा रहे हो तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है और बेटर कर सकता था मैं अभी तो चीजें इकट्ठी हुई थी अभी, अभी 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 चीजें वो थी जो लंबे समय तक चलने वाली थी अभी वो झगड़े पैदा हुए थे जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकते जी। ठीक है घर बिल्कुल एक जो पहले तो पहले पूछना चाहूंगी कि एक फोन कॉल का आपने कहा <laughs> किसका है? फोन कॉल छोड़ <laughs> दो भाई वो मजाक था ऐसे ही वो तो वो वो हुल पट्टी उसने मेरे को दी मैं तेरे को बाहर चल तेरे को बताता हूँ मैंने हुल पट्टी दी तेरे तो बाहर चल तेरे को फोन आएगा ऐसे वैसे सब चीजें ऐसे ही थी एक पोक पॉइंट होता है कि उसने वो मुझे चीजें बोल रहा था उल्टी सीधी गालियां दे रहा था तो मुझे पता चल गया था कि उसका पोक पॉइंट क्या है और मैंने सॉलिड पोक मारा उस पर और वो कूद पड़ा मुझ पर और मैं भी पड़ा उस पर और फिर झाड़ा हो गया वो मेरे को लगता है वो सबसे गंदी फाइट है आज तक की बिग बॉस की उससे गंदी फाइट नहीं हो सकती जी, जी, और वो हमारी फाइट बहुत लंबी चल सकती थी ठीक है कि अगर झुकाव नहीं आता सॉफ्टनेस नहीं आती रजत आके क्लियर नहीं करता बात मेरे साथ तो चल सकती थी वो रजत नहीं आके क्लियर की और मैं उसको वो बहुत बहुत एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि उस बहुत मच्योरिटी के साथ जैसे कि उसको बोला जाता है बहुत इम्पल्सिव है 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 ना थोड़ा सा चीजों में हो जाता वो वो उसने बहुत के साथ आके चीजें खत्म की उसको पता है कि इस घर में जो झगड़े हो रहे हैं वो यहीं पर हैं क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है हम ठीक से सोए नहीं हैं हमने सूरज नहीं देखा है हमें टाइम नहीं पता है तो जब ये चीजें होती है ना आपके साथ लाइफ में तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो खाना और सोना नहीं होगा ना टाइम पे या पूरा नहीं होगा तो चिड़चिड़े हो जाते हो तो वो जो चीजें आ भी रही थी तो वो अंडरस्टैंड करते हैं हम कि यार ये ना घर के अंदर ही अगर घर के बाहर इन चीजों को लेके जाएंगे तो उससे बड़ा इनमें इंसान कोई नहीं होगा अगर कोई बाहर जाके शुरू करेगा right. मैंने एक चीज नोटिस की कि घर में दो ग्रुप थे आपकी दोनों से ठीक बनती थी लेकिन जहाँ पे गलत लगता था आप दोनों के खिलाफ आवाज हाँ, उठाते हाँ. क्या था मतलब आपने पहले से ही सोच रखा था कि आप किसी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे नहीं मुझे किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना नहीं आता मुझे या तो लड़ना आता है फाइट करना आता है अपना स्टैंड लेना आता है मुझे किसी से झगड़ा करने के लिए आपके कंधे की जरूरत नहीं है मुझे ये इनकी बात बुरी लगेगी मैं उनको बोल दूंगा हाँ भाई तो मेरे को ये नहीं कि मुझे हाँ यार जाके बोल ऐसा नहीं मैं करूंगा या मैं आपको चुगली कर दूंगा नहीं कर सकता और झुंड की जरूरत उनको होती है जो अकेले वीक होते हैं जब उनको लगता है हम अकेले नहीं लड़ सकते तो हो सकता अभी जैसे मेरा नायरा के साथ अच्छा था अभी नायरा अगर आप उसको ग्रुप का ना दे, देना चाहें वो दे सकते हैं कि मेरा और नायरा का ग्रुप बन गया था अगर वो लास्ट करता एक एक वीक लास्ट और करता आज उस गेम का फेस ही अलग होता और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को झुकाना बहुत मुश्किल था उनके लिए और बहुत उनके लिए सिर दर्द बन गया था कि ये इन दोनों का ग्रुप बन रहा है इसको तोड़ो पहले ही हफ्ते आप विवियन और आपकी बातचीत हुई थी तब विवियन ने आपको बोला था कि अभी एक्टर्स नहीं है लोग बॉडी बनाते हैं बड़ा सा लंबा सा लेक्चर दिया था अब लगता है शुरुआत से आप कहीं ना कहीं विवियन के टारगेट पॉइंट पे थे

हाँ उसके बाद उसके बाद उसने एक मेरे पर डे के बारे में कुछ बोला था जी कि जी जी। इसके इतना पर डे होगा जो सब में बट जाएगा तो मेरे को बहुत थर्ड क्लास लगी थी उसकी कि 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 तो किसी वो मैंने मैंने सुना था 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 उसने 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 वही बोला था। उसने बोला कि मैंने नहीं बोला नहीं ये ठीक है और सॉरी बोल दिया भाई तुझे बुरा भी लगा और वो मुझे समझ आ रहा था कैमरा के लिए ही मुझे गले लगा रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ अच्छा बनने की आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका रियल फेस तो सामने आ ही जाता है ना थोड़े दिन बाद बदतमीजियाँ शुरू हो गई बिना बेवजह मेरी बातों में बोलना शुरू हो गया मैं बात आप से कर रहा हूँ इधर से कॉमेंट मार रहा है, बिना बात के। है ना? तो वो आने में और ये झगड़ा तो हमारा पिछले दो हफ्ते से चल रहा था मेरा और विवेन और मैं उसको बोल रहा था मैंने कहा तेरा मेरा बहुत गंदा होगा भाई ठीक है और मुझे ऐसा लगता था कि उससे अगर कोई झगड़ा कर सकता था घर में वो मैं ही था और को मेरे को कितना स्ट्रांग लगा नहीं

बात खटकी आपकी जब श्रुतिका के साथ आप बातचीत कर रहे थे जहाँ पे आपने शिल्पा शिरोड करके कहा अरे वो तो बहुत बड़ी कमी नहीं है अरे यार 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 मैंने से बोल दिया भाई ये वर्ड आई एम सॉरी शिल्पा जी मैं, मैं आप जानती हूँ ये चीजें मैं मैं मेरा मेरी शख्सियत भी नहीं है ऐसी मेरी नहीं है आई थिंक अब मे बी मैं किसी बात से हर्ट होऊंगा हर्ट होऊंगा तो मैंने शायद वो मेरे मुंह से निकल गया बोल दिया लेकिन अगर मैंने बोला तो मेरी गलती है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए

छोड़ के आया हूँ ना मैं जहाँ पे छोड़ के आया हूँ ना वहीं से शुरुआत करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या हूँ राइट बिग बॉस के बाद नेक्स्ट पढ़ाओ अगर ऑफर हुआ तो खतरों करना चाहेंगे डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट मेरे को करना है वो रोहित सर से, से बातचीत हुई थी बीच में जब आए थे घर के अंदर हाँ वही जैसे शो वो जो चल रहा था क्योंकि टाइम की कमी होती है जी, जी जी तो बस वो किया तो मैं मेरे को करना है आई नो दैट ग्रो करना है उसमें कुछ नहीं अगर मेरे को ऑफर होता है लास्ट इसके लिए भी मेरी मीटिंग हुई थी ये वाला जो जो खतरों गया उसके लिए भी मीटिंग हुई थी क्योंकि आ, आ, उन उनका ध्यान शायद लेट गया मेरे पे तो उन्होंने बोला कि दो दिन बाद तो सबके वीजा जा रहे हैं तो शीतल जी ने मुझे मीटिंग की थी मेरे साथ लेकिन शायद नहीं बन पाया

अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता यार थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू